यहाँ के कस्टम्स के बारे में, यहाँ के क्लास वर्क के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में मैंने इतनी तारीफ सुनी है कि जब ये इज़न आया रानी साहब का तो इसका मना करना तो नामुमकिन था। और संदेश भी वो जो लाया उनको भी मना करना नामुमकिन था। मुझे पता है कि ये इलेक्शन का ज़माना है और आप ज़रूर सुनेंगे अगले महीनों में, अगले हफ्तों के लिए कम से कम भाषणें सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में। आज थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं अपन क्रिकेट के बारे में। ये खेल अंग्रेज लाया था कोई 400 साल पहले। पहला अंग्रेज आया था यहाँ सूरत में इन 1600। वहाँ मुगल बादशाह के गवर्नर से उनको बुलाया, उनसे बात करी, उनसे पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम तिजारत करने आए हैं। उनसे पहले पोर्चुगीज पहुंच गए थे तो पॉलिटिक्स वहीं शुरू हो गए। हुआ क्या कि अंग्रेज को हटना पड़ा, मुंबई था नहीं उस जमाने में। मुंबई का नाम मुंबई देवी था। यहाँ मेरे ख्याल से एक छोटा सा मंदिर था और दो झोपड़ियाँ होंगी। तो ये और नीचे गए, ये गोवा तक पहुँचे, वहाँ भी पोर्चुगीज मिले। तो पूरी इन्होंने हिंदुस्तान चक्कर मार के आखिर में कलकत्ते पहुँचे और सबसे पहला क्रिकेट क्लब दुनिया में इंग्लैंड के बाहर कलकत्ते में बनाया, जो भी आज भी मौजूद है और जहाँ मैं काफ़ी खेल चुका हूँ। अब अंग्रेज से चला गया लेकिन कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के भी गया है, जिसमें से क्रिकेट था। वो जो वैक्यूम जो हो गया था वो फिर राजाओं महाराजाओं ने उठाया बोझ थोड़े दिन। पहली टीम एक्चुअली इंडिया की जो गई थी वो 1880 में गई थी, वो सारे पारसी थे। तो पहले पारसियों ने खेला, फिर राजा महाराजा ने खेला, फिर कुछ ऐसे अच्छे खिलाड़ी निकले जैसे महाराज रणजीत सिंह या राजकुमार दिलीप सिंह जी, और मेरे वालिद भी इन्होंने जिस तरह से खेले। तो क्रिकेट किसी वजह से, हालांकि एक एलिटिस्ट गेम था, यहाँ बहुत पॉपुलर हो गया। फिर जब राजा महाराजाओं को प्रशासकों को ख़त्म किया गया तो हमें फिक्र हुई कि ये खेल शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर जिम्मेदारी उठाई बड़े बड़े कारखाने वालों ने, नौकरियाँ दिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने जैसे एयर इंडिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने भी। जब नौकरी किसी को मिलती है और जब सिक्योरिटी मिलती है और जब पेट में खाना और भूख नहीं होती है तो आदमी किसी और रुख पे भी देख सकता है, कुछ और काम भी कर सकता है। अब ये पोजीशन बन गया है कि कोई भी कामयाब क्रिकेटर लखपति तो छोड़िए करोड़पति बन सकता है। इसके ये नहीं माने कि सब बन सकते हैं। क्रिकेट दो लेवल पे खेला जाता है। एक लेवल जो मैंने आज देखा है, एक लेवल है जिस पे तेंदुलकर खेलते हैं। इसके ये नहीं माने कि आप में से कोई तेंदुलकर नहीं है, हो सकता है, बन सकता है, लेकिन खेल खेला जाता है बेसिकली एंजॉय करने के लिए। और जितना आप इसको एंजॉय करेंगे उतना ही आप अच्छा खेलेंगे। मैंने आज देखा था बड़ी गौर से और मज़ा भी आया था। लेकिन अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जो हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, जो जिनकी सूरतें और एक्शंस आप टेलीविज़न पे रोज़ाना देखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कॉपी करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैदान के बीच किसी किस्म की गुफ्तगु हो या किसी किस्म का बड़ा भला कहा जाए। खेलिए, प्ले स्ट्रॉन्ग, प्ले हार्ड, बट प्ले फेयर, हमेशा मैंने यही कहा है।
मुबारकबाद मैं देता हूँ कहने वालों को कि आप लोग जीत गए, और जो हारी है टीम उससे ये कहूँगा कि हार जीत तो होती रहती है हर चीज में। मुझे आपने यहाँ बुलाया, इतने सलूक से, इतने प्यार से आप मिले हैं कि मैं आपका भारी हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है इसलिए वापस जाना है। उम्मीद है कि अपन सब मिलेंगे फिर, और जैसे रानी साहब ने कहा है कि चलो ऐसा भी हो सकता है कि एक पटौदी की टीम ले आऊं, वो परिवार का नहीं पता मुझे आएगा कि नहीं, लेकिन कोशिश पूरी जरूर करूंगा मैं। जय हिंद, जय हिमाचल। कॉपरेशन, और हमें उम्मीद है आगे। सर, हमारे चंबा के लोग और अन्य चीजों में, लेकिन जिन बुजुर्गों ने सबसे पहला नाम जो इस साल चयनित किया गया है वो है कुंवर भवानी सिंह जी, लेकिन यहाँ नहीं आ सका है। मैं निवेदन करूँगा श्री जनकराज जी से कि वो कुंवर भवानी करें। उसके बाद कृपया वो भी मंच पर आए, कृपया जोरदार तालियों से इन शख्सियतों का अभिनंदन किया जाए। ये वो लोग हैं जिन आज भी खेल में अपना योगदान दे रहे हैं। तीसरा नाम है श्री नरेंद्र पुरी, कृपया ये भी मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करके जो क्लब की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। थैंक यू सर। चंबा आए, हमने जितनी कोशिश हो सकी चंबा की विरासत के बारे में, चंबा के इतिहास के बारे में आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन चंबा के बारे में बताया जाए और उसमें रावी का जिक्र ना हो जिसके किनारे किनारे आज आपने सफर तय किया है डलहौजी से चंबा का। कभी रावी दरिया जो आज आप नीचे देख रहे हैं वो यहां से गुजरा करती थी, जिसका अभी विवाह ना हुआ हो और जो मानो अपने मायके में ही खेल रही हो। लाहौर में तो है मेरा प्रियतम, परदेश में है ए रावी, और तू उछल उछल कर नाच नाच कर बह रही है। अरे अभागिन, तू एक विरहम की पीड़ा को तू कह जाने, नारी के नाते ही सही मेरा प्रियतम आए तो रावी उसे झट से रास्ता दे देना, लेकिन रावी अपनी अलहड़ कुंवारी चाल से बहती जा रही थी, आज भी बह रही है। उसे ना तो किसी विरहने की चिंता है और ना उसे किसी के प्रियतम की चिंता है। नवाब साहब, मशहूर है चंबा के चंबियालों के बारे में कि हम चंबियाल रावी के पार नहीं जाना चाहते। उसका एक कारण है, उसका कारण है कि राजाओं के वक्त में चंबा इतनी समृद्धशाली रियासत हुआ करती थी कि हम यहां से बाहर जाकर के ये अनुभव करते थे, या हमारे बुजुर्ग यहां से बाहर जाकर के अनुभव करते थे कि हम किसी बैकवर्ड जगह में आ गए हैं। ये कारण था, इतिहास साक्षी है इस बात का। लेकिन कुछ बातें हैं जो खैर काफी लंबी चली जाती हैं, चाहे लाइट का मामला हो, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो कोलकाता में लाइट आई, दूसरे नंबर चंबा शहर के अंदर लाइट आई, यहां पर अपना पावर हाउस बनाया गया। बहुत चंबा रियासत में हाई स्कूल था राजाओं का बनाया हुआ, उसके बाद अगला स्कूल लाहौर में हुआ करता था, अमृतसर जैसी जगह में कोई स्कूल नहीं हुआ करता था, उस वक्त से यहां पर हाई स्कूल हुआ करता था। या फिर हमारे राजाओं की सोच देखिए, अंग्रेज डॉक्टरों को यहां पर स्थापित करने के लिए उनके लिए अलग से चर्चें तक भी बनाई गई ताकि उन्हें वहां का माहौल जो है यहां पर एक जैसा लगे। कुष्ठ रोग चिकित्सालय लेप्रोसी हॉस्पिटल इंडिया में तो छोड़िए पूरे एशिया में नहीं था। सन 1875 में चंबा से 4 किलोमीटर दूर सरोल नामक जगह पर वो हॉस्पिटल जो है चंबा के राजाओं द्वारा बनाया गया था, और ये सीटियां गवाही दे रही हैं
क्योंकि ये क्यानी और सोल की टीम है, ये वहां रहते हैं, इनकी सीढ़ियां गुआई हैं कि आज भी वो अस्पताल ठीक ढंग से चल रहा है और कुछ लोग चिकित्सालय जो है अभी भी वहां पर 1875 के बाद कंटिन्यू चला हुआ है। ये हमारा इतिहास था। अब खैर थोड़ा सा रावी के पास चले और भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा के बच्चों द्वारा पेश किया जाने वाला क्लासिकल डांस देखें। प्लीज वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा फॉर देयर क्लासिकल। भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा के स्टूडेंट्स, अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे जो कार्यक्रम को सफल बनाने में कुछ लोगों ने स्पॉन्सरशिप सम्मान
देख करके अनुग्रहित करें। सबसे पहले मिस्टर डीएस पठानिया, वाइस चेयरमैन जिला परिषद, मिस्टर एसपी धर, फॉर्मर प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल चंबा, मिस्टर कमल ठाकुर, मिस्टर जीएस ढिल्लो चेयरमैन डीपीएस, मिस्टर मनोज चड्डा प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल थलौजी, मिस्टर पवन अय्यर, मिस्टर विनय महाजन, कृपया तालियों से इनका स्वागत करते रहे। मिस्टर विनय महाजन, मिस्टर साहेब सिंह, मिस्टर सतनाम सिंह, मिस्टर अमरचंद, मिस्टर अनिल मेहता, जीएम चमेरा टू मिस्टर राजीव हस्तू, जीएम चमेरा थ्री मिस्टर के जोशी, योर हाइनेस चुरा चंबा की एक तहसील, राजाओं के टाइम में गढ़ और कोठियों के लिए मशहूर, वहां स्टाइल बोथ द मैनली एंड फेमिनाइन टाइप ऑफ डांसिंग एंड इज ए पॉपुलर डांस ऑफ चुरा परफॉर्म बाय बोथ द मैन एंड वुमेन। Rhythm is maintained both by orchestra and songs. This dance is thank you.
टंडन, इरशाद खान, देखिए हम चंबावासियों की तरफ से कोई तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, कृपया तालियां देकर इन्हें अनुग्रहित करें। इरशाद खान, पुनीत, अजय,
विशाल कोहली, वरुण महाजन और पवन अबरू। रनर अप ट्रॉफी बनिकेत यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब, रनर अप ट्रॉफी बनिकेत यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब। कृपया जल्दी से प्लेयर्स आए, इसके बाद विनर टीम प्लीज गिव देम बिग हैंड्स। ज्ञानी क्रिकेट क्लब वाइस कैप्टन पिंकू, हितेश्वर, अमित वन, अमित फर्स्ट, विक्रांत, अजय मनु, दिनेश मेहरा, अमित सेकेंड, संजय प्राशर, राजू, यज्ञ और काका। आप आज की विजेता टीम के कैप्टन और अन्य सदस्य मंच पर आकर बेटा अपनी विनर की ट्रॉफी कलेक्ट करें। ज्ञानी स्पोर्ट्स क्लब के कैप्टन और अन्य विजेताओं को स्वागत करिए। इस टूर्नामेंट में लगभग 80 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से ये टीम विजेता आ रही है। राजकुमार प्रजेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2007 विनर क्लब क्रिकेट विजेता ट्रॉफी प्राप्त करते हुए। मैन ऑफ द सीरीज जो थे वो बनी खेत से थे। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा चंबा सीनियर सिटीजन क्रिकेट टीम के मेंबर्स, उसके जो मेंबर्स हैं यहां पर प्लीज स्टेज पर आए। मेजर एस सी नैयर कैप्टन चंबा सीनियर सिटीजन क्रिकेट टीम, मिस्टर नरेश पुरी कृपया जल्दी से आए, मिस्टर नरेंद्र पुरी, मिस्टर पूरन सिंह, मिस्टर धर्म सिंह, मिस्टर जनकराज। देखिए इतनी शर्म मत लगाइए, ये बुजुर्ग लोग दौड़े लगा रहे हैं और आप ताली नहीं बजा रहे हैं। कृपया तालियों से इन बुजुर्गों का स्वागत करें, और अगर आप में से कोई बुजुर्ग बोलने पर माइंड करता हो तो कृपया मुझे माफ करें। लेकिन ये असलियत है कि हमारे सीनियर सिटीजन की जो टीम अभी मंडी ट्रॉफी लेके आई है, उसके बाद है जनकराज जी, राज सहगल और मिस्टर निर्मल सिंह। इसके बाद मंच पर आए मिस्टर राजकुमार जी। मिस्टर राजकुमार इसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजर्स की टीम, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को, मिस्टर मनमोहन सिंह, रजत बाली,
मिस्टर विनोद शर्मा मिस्टर महमूद अहमद मिस्टर मंगलेश शर्मा ऊपर कर रहा है ना तू ऊपर ही है लड़ा क्यों नहीं क्या मेरे पवन मरोल मिस्टर सलीम खान ये अपने जमाने के बड़े मशहूर क्रिकेटर रहे हैं पूरे हिमाचल में इनका नाम चलता आया है मिस्टर सलीम खान मिस्टर नरेंद्र मल्होत्रा कमलीकांत गुप्ता भाई कहाँ देखे जरा नीरज टंडन जिंदू चल मिस्टर मनोज शर्मा पढ़ी गल क्या मिर्जा असगर बेग जी शायद नहीं आप आ पाए थे मिर्जा जी अगर आ गए तो कृपया मंच पर आए बेग जी मनोज शर्मा अमर भारती फोटो खींचने चलो आज गुरु जी चल अमर चल अब आपके सामने पेश कर रहे हैं जिन्होंने अभी आपके सामने स्टेज संभाली थी हमारे ऑर्गेनाइजर हितेंद्र पठानिया पठानिया भाई कहते इसके बाद एम्पायर्स ये रणजी ट्रॉफी प्लेयर है और इन्होंने एम्पायरिंग की है अमर तुम नहीं चल रहा सर आओ मिस्टर तरुण शर्मा मिस्टर हामिद खान मिस्टर जितेंद्र थापा मिस्टर जितेंद्र थापा और मिस्टर केवल मेहरा राजू अंपायर में सतीश मेहरा अनिल शर्मा तरुण शर्मा हामिद खान जितेंद्र थापा केवल मेहरा में से इनमें से कोई रह गया तो अनिल शर्मा जी कृपया आए सर केवल सर सामने जी सर जी तो है केवल केवल सामने देख सामने सामने देख सामने देख सामने हमारे आज के मुख्य अतिथि नवाब पटौदी से करें इन धन्यवाद करते हैं मैडम श्रुति हु इज कजन ऑफ मैडम आशा कुमारी जी मिस्टर देवाशीष मैं ऊपर आइयो ऊपर कमाल गुरु तुसी जने छे गुरु ऊपर ते छे ना खदे गल गल टूर्नामेंट के ध्वज की रहती है उसको जो कि अगले वर्ष इसी को सुचारू रूप से इसी टूर्नामेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए लीजिए
मंच के सामने से हट जाएं ये लोग, उन्हें ध्वज लेकर के ये स्टेज पर आना है। मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2007 संपन्न होता है। धन्यवाद। जय हिंद। आज के आमंत्रित लोग हैं वो कृपया डिनर के लिए सर्किट हाउस की तरफ प्रस्थान करें। जो आज के आमंत्रित अतिथि हैं कृपया सभी डिनर के लिए सर्किट हाउस की तरफ प्रस्थान करें। धन्यवाद। आपकी बार अपनी होगी।